यस, जब कॉन्ग्रुएंस की हम बात करते हैं तो लिखो सबसे पहली चीज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंस में सबसे पहले हमें देखना है कॉरेस्पॉन्डेंस, बिल्कुल ध्यान से देखना है सर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस, लिखवा दिया था। है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब ऑर्डर बहुत ध्यान से लिखना है। यस नीतू, ठीक है ना, इसी के आगे ही मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। मान लो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो छह चीजें हमने लिखी थी, क्या लिखी थी, ए बी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, सेकेंड ए सी जो होगा वो पी आर के बराबर होगा, थर्ड बी सी जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, इज इट क्लियर। और हमने क्या देखा था, फोर्थ चीज, एंगल ए मेरा एंगल पी के बराबर होगा, फिफ्थ चीज एंगल बी मेरा एंगल क्यू के बराबर होगा, सिक्स्थ चीज एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर होगा, इज इट क्लियर। सबको समझ आ रहा है, ये छह चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि अगर एक फिगर दूसरे फिगर के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड्स इक्वल होंगे और एंगल्स इक्वल होंगे। यस, ये सबको क्लियर है। यस सर। अब होता क्या बेटा, देखो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट लिख लो, ठीक है ना। सो फर्स्ट थिंग, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then we can say the six given results will be satisfied। मतलब अगर मैंने congruent बोल दिया ना आपको, तो ये छह रिजल्ट हमेशा satisfy करेंगे ही करेंगे। but if I have results, can I prove congruence? मतलब मुझे एक चीज बताओ, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ साइड्स इक्वल होगी और एंगल्स इक्वल होगा, लेकिन अगर मुझे साइड्स इक्वल पता है और एंगल्स इक्वल पता है तो क्या मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? सो यस आई कैन से कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। अगर मुझे पता है दो दो ट्राइंगल की साइड्स इक्वल है, ठीक है ना, और एंगल्स इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डेंस मैच कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, साइड्स इक्वल है एंगल्स इक्वल है और वो जो इक्वालिटी है इनके बीच में वो कॉरेस्पॉन्डेंस के रिस्पेक्ट में इक्वल है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, आपको याद होगा, तो मैंने बताया था साइड्स इक्वल है एंगल्स भी इक्वल है लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं मैच कर रहा था, है ना, ठीक है ना। तो उस केसेस में हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। सो इफ आई हैव रिजल्ट्स कैन आई प्रूव कॉन्ग्रुएंट? यस आई कैन से कॉन्ग्रुएंट if sides are equal, angles are equal and correspondence is there, ठीक है ना। correspondence का मतलब क्या है, जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ABC congruent to PQR में, A corresponds to P होता है, B corresponds to Q होता है, C corresponds to R होता है, vertex correspond करती है, भाई ये vertex इसको correspond कर रही है, ये वर्टेक्स इसको करस्पॉन्ड कर रही है, इज इट क्लियर, समझ आ गया सब? यस। तो अब इसमें सीखना क्या है, व्हाट वी आर सपोज टू लर्न इन दिस? अब बेटा जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं, मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड टू प्रूव ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड टू प्रूव ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। देखो अब हमारे लिए जो चैलेंजिंग टास्क है वो क्या है, अगर मुझे सारी साइड्स बता दे, सारे एंगल बता दे, मतलब छह चीजें मुझे पता है और कॉरेस्पॉन्डेंस भी मैच कर रहा है, तो इफ आई हैव सिक्स गिवन थिंग्स टू मी, तो मैं तो बिल्कुल देख के बता सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू नथिंग चैलेंजिंग इन इट। अब चैलेंजिंग क्या है, अगर मेरे पास बहुत कम डेटा है, मेरे पास मान लो दो साइड और एक एंगल है, दो एंगल और एक साइड है, तीन एंगल्स है, तीन साइड्स हैं, तो क्या मैं पोजीशन में हूँ, एम आई इन अ पोजीशन टू से कॉन्ग्रुएंस, क्या मैं कॉन्ग्रुएंस बोल सकता हूँ? तो हमें वो सीखना है कि अगर हमें छह की छह चीजें नहीं पता है तो कितना पता होना चाहिए ताकि हम दो फिगर्स को हमेशा कॉन्ग्रुएंट बोल सकें। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है? जो हम अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि मिनिमम कितनी कंडीशन होनी चाहिए ताकि हम बोल पाए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है ना। सारी छह की छह कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे कम कंडीशन होगी तो भी मैं बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट है। सो लेट्स गिव द हेडिंग क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस।
congruence की क्या क्या criteria होती है. तो सबसे पहली जो criteria होती है वो होती है SAS criteria. अब SAS criteria का मतलब क्या है कि if two sides and an included angle and an included angle of a triangle, two sides and an included angle of a triangle are equal to two sides and an included angle of another triangle. ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना. Two sides and an included angle of a triangle are equal to two sides and an included angle of another triangle. Then the given triangles are congruent. Then the given triangles are congruent by SAS criteria. मतलब ये क्राइटेरिया ने क्या बोल दिया कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है और उसके बीच का एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स आप बिल्कुल आराम से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो. सो आई ड्रॉ द फिगर फॉर यू. लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और मेरे पास एक ये ट्राइंगल है पीक्यूआर, है ना. अब मैंने क्या कर दिया, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, दिस इज गिवन टू मी, मुझे क्या क्या पता है. नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू पी आर, मुझे पता है. और मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है. इज इट क्लियर. ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए सी इक्वल टू पी आर है और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है. ध्यान रखना एस ए एस का मतलब क्या है, साइड हो, दूसरी एक साइड हो और उनके बीच का एंगल हो, और कोई एंगल नहीं चलेगा, तो साइड और उनके बीच का एंगल. तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये एंगल दिया हुआ है इसके बराबर. Yes. Yes, तो यहां से हमें सीखने क्या मिला, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम हियर. हमें ये सीखने मिला कि दो साइड और उनके बीच का एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस क्राइटेरिया. ठीक है ना. अब समझेंगे ऐसा क्यों होता है भाई, दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर हम फिक्स कर देते तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ट्राइंगल आपका फिक्स हो गया. कैसे, देखो आपने कंस्ट्रक्शन किया ये साइड का इसके बराबर, आपने कंस्ट्रक्शन किया ये साइड का इसके बराबर और आपने एंगल भी बराबर बना दिया. अब जो ये फिगर बच गया है इसमें ट्राइंगल बनाने के लिए क्या तीसरी साइड बनाने का चॉइस है आपके पास, डू यू हैव अ चॉइस? नो सर. नो, यू हैव टू पॉइंट्स व्हिच आर लेफ्ट ओवर विद यू एंड यू हैव टू जस्ट जॉइन दोस टू साइड्स एंड ओनली ट्राइंगल विल बी फॉर्मड. इज इट क्लियर. सो इफ यू जस्ट फिक्स two sides and an angle between them, the triangle gets fixed. तो अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल आप फिक्स कर देते हो तो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, आपके पास उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने का कोई चांसेस नहीं है. Is it clear? समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों फिगर्स congruent है. ठीक है, तो लिख लो आप कि हमने अगर दो साइड फिक्स कर ली और उनके बीच का एंगल फिक्स कर लिया तो ट्राइंगल फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए. ठीक है ना. तो सबसे पहली क्राइटेरिया आपने पढ़ ली है एसएएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल होता है तो हम दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. तो सर ये बोल के हमें मिलेगा क्या बेटा, जब हमें ये तीन चीजें पता होंगी तो हम डायरेक्टली बोल देंगे भाई हमारा ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है. दिस इज व्हाट वी विल से. और इसके बाद क्या करेंगे हम, जो रिजल्ट हमें मिले हुए हैं उसके अलावा के तीन रिजल्ट लिख सकते हो आप कि भाई एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा, एंगल सॉरी एंगल बी क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा, व्हाट एल्स, बी सी भी सर क्यू आर के बराबर होगा. तो ये तीन रिजल्ट जो है ये क्वेश्चन में दिए नहीं थे लेकिन आपने खुद ने आइडेंटिफाई कर लिए. कैसे आइडेंटिफाई किए, गिवन डेटा के साथ आपने पहले बताया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपने ये बताया कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो छह रिजल्ट हम निकाल सकते हैं. तीन आपने दिए हैं, तीन हम और दे सकते हैं आपको. ये तीन रिजल्ट्स आपने निकाले, इनको बोला जाता है सीपीसीटी रिजल्ट्स. क्या बोला जाता है, सीपीसीटी रिजल्ट्स. दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. फुल फॉर्म लिख लो आप, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स.
ठीक है, इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. और भी क्राइटेरिया होती है कॉन्ग्रुएंस की, दैट विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके. Thank you.